अस्सलामुअलैकुम दी बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम आपको आज ले चलेंगे साहिवाल। साहिवाल बहुत खूबसूरत है और पंजाब का के खूबसूरत पुराने शहरों में इसका शुमार होता है। और साहिवाल अपनी डेयरी प्रोडक्ट और ज़राअत के हवाले से बहुत अहमियत रखता है और ख़ास तौर पे साहिवाल से हम आपको हड़प्पा ले जाएंगे, जो यहाँ की एंशियंट इंडस सिविलाइजेशन की एक साइट है, हिस्टोरिकल साइट है, वो दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम यादगार साहिवाल पे जाएंगे, उसके बाद थोड़ी भूख भी लगी हुई है। यहाँ हमारे साहिवाल बाइकर्स क्लब ने नाश्ते का इंतजाम किया हुआ है, वो भी करते हैं। यादगार साहिवाल है और बेसिकली ये बनाई गई थी जब पार्टीशन के वक्त मुहाजरीन यहाँ पहुँचे और यहाँ उन्होंने कैंप अपने किए और पड़ाव किया और इस जगह पे काफ़ी अरसा रहे। उसके बाद उनको अब घरों में शिफ्ट किया गया, तो ये उसी थीम से ये एक टेंट की शेप के उन्होंने, ये हट्स की शेप के ये उन्होंने बिल्डिंग बनाई और ये एक राउंड एक आर्च बनाई गई और इसके ऊपर हड़प्पा की जो तहरीरें हैं वो दर्ज की गई। थोड़ी ये अकासी करती है कि ये इलाका कितना पुराना है और हड़प्पा की अकासी के तौर पे उन्होंने ये स्क्रिप्ट दिया। और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ा पार्क है और यहाँ फैमिलीज आती हैं और यहाँ थोड़ी देर तफरी करते हैं, बच्चे आते हैं खेलते हैं और ये सेंट्रल प्लेस है साहिवाल की, बहुत खूबसूरत है। इस वक्त हम साहिवाल में हैं और ये साहिवाल की बड़ी पुरानी जगह है नाश्ते के हवाले से, और भूख काफ़ी लगी हुई है और नाश्ता भी मेरे सामने है। और जब तक आप खाना ना खाएं, खाली पेट कोई काम नहीं होता। हमने अभी कोई काम नहीं करना, नाश्ता करना है और मुझे तो देखकर इतनी प्यारा प्यारा और इसकी खुशबू खाने की बड़ी अच्छी लग रही है। और अब कोई टाइम हमने वेस्ट नहीं करना और बिस्मिल्लाह करते हैं जी।
वाह जी वाह, वेरी टेस्टी जी। साहिवाल हैं और अच्छे की लस्सी ना पिए तो कुछ नहीं किया आपने। और जब भी आप साहिवाल हैं, यहाँ की लस्सी टेस्ट करें, आप लाहौर गुजरांवाला की लस्सी भूल जाएंगे। हमारी बाएं तरफ साहिवाल मॉडल स्कूल है और ये APS मेमोरियल के नाम पे अब रखा गया है इसका नाम। जब पिशावर में APS पे अटैक हुआ तो उसके बाद इसका नाम APS मॉडल मेमोरियल स्कूल इसका नाम रखा गया। ये साहिवाल का काफ़ी पुराना स्कूल है और ये 1914 में ये स्टार्ट हुआ, इसका आगाज़ हुआ। अभी हम साहिवाल के जो ओल्ड पार्ट हैं, ख़ासतौर पे महकमा अनहार के जो तामीरात हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में ये तामीरात की गई और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की कॉलोनीज हैं जहाँ उनके स्टाफ वगैरह रहते हैं, और काफ़ी पुरानी इमारात यहाँ मौजूद हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट महकमा नहार का है और ये काफ़ी पुराना है। ब्रिटिश टाइम में ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि साहिवाल में काफ़ी सारी नहरें हैं और दरियाई सिस्टम है, इसका कैनाल नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ने यहाँ एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया। और ये बिल्डिंग जो है ये नहार डिपार्टमेंट का ऑफिस हैं और गेस्ट हाउसेज हैं, और ये एक तख्ती पे जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये 1908 में ये तामीर किया गया, तो इसको मोर देन 100 ईयर इस जगह को हो गए और ये तारीख का एक बड़ा हिस्सा है इसमें। डेनाल कॉलोनी से निकल के ये मेरे लेफ़्ट साइड पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साहिवाल का बहुत ही आलीशान खूबसूरत बिल्डिंग है। मेरे लेफ़्ट साइड पे डिस्ट्रिक्ट जेल साहिवाल है, काफ़ी बड़ी जेल है और काफ़ी पुरानी जेल है और हाई सिक्योरिटी जेल है, और इसको काला पानी जेल भी कहा जाता है। पाकिस्तान।
इस वक्त हम साहिवाल में हैं और साहिवाल एक ज़रई इलाका है और यहाँ आलू की और मकई की और मुख्तलिफ़ दीगर फसलों की वजह से साहिवाल मशहूर है। और अभी हम आपको ले चलते हैं आलू की फसल में और ताज़ा आलू ज़मीन से निकाले जा रहे हैं और यहाँ लेबर काम कर रही है और चलते हैं जी आपको दिखाते हैं जी आलू की फसल और आलू कैसे निकाले जाते हैं और आज आपको शेयर करते हैं। यहाँ आलू ताज़ा निकाले जा रहे हैं। वाह वाह पहले मैनुअल होता था, लोग हाथों से इसको निकालते थे देसी तरीके से, अब मशीनें आ गई, मशीनों से आलू निकालते हैं और जो लेबर है वो इसको सॉर्ट करके ढेरी बनाती है और ढेरी के बाद फिर इसको बोरियों में बंद किया जाता है और मंडियों तक जाता है और इसी से हम मुख्तलिफ डिशेस तैयार की जाती हैं, चिप्स तैयार किए जाते हैं। और आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है और कभी भी कहीं क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सब्ज़ी ऐसी है जो पूरी दुनिया में खाई जाती है तो ये आलू है। और ये साहिवाल का एरिया आलू की पैदावार के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और यहाँ से ही आलू फिर पूरे पाकिस्तान में भेजे जाते हैं और इवन एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। आलू जो हैं ये अब फसल तैयार हो गई है, अभी हम इसको बोरियों में बंद करेंगे और मंडी ले चलते हैं। चलते हैं जी मंडी की तरफ। बाइकर्स की टीम आज साहिवाल में है और साहिवाल अपनी ज़रात के हिसाब से और ख़ास तौर पे डेयरी प्रोडक्ट के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। और अभी हम एक डेयरी फार्म पे जा रहे हैं जहां आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में जो डेयरी प्रोडक्ट में बड़े बड़े फार्म बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है तो उसको विज़िट करते हैं। सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हाइजेनिकली हमें यहाँ की SOPs को डेयरी फार्म की SOPs को फॉलो करना है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये प्रोसेस से गुज़रें। जी अभी हम साहिवाल में हैं और चौधरी अमजद साहब का ये डेयरी फार्म है और बहुत सारी इन्होंने खूबसूरत जानवर यहाँ रखे हुए, कलेक्शन इनकी। और थोड़ा डेयरी फार्म को विज़िट करते हैं। आप जानते हैं कि साहिवाल अपनी डेयरी प्रोडक्ट के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और डेयरी से रिलेटेड यहाँ काफ़ी इंजीनियरिंग का काम और जानवर पाले जाते हैं और उनसे दूध और चीज़ और बटर और इस तरह की प्रोडक्ट यहाँ से तैयार होती हैं और यहाँ डेयरी की के बहुत बड़े बड़े फार्म भी मौजूद हैं। चलते हैं एक फार्म को आपको दिखाते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलियन नस्ल की जो गायें मौजूद हैं यहाँ और ये ब्रीड ऐसी है कि ये पूरी दुनिया में फेमस है और पाकिस्तान में भी ये ब्रीड काफ़ी ज़्यादा फार्म पे अवेलेबल है। और इसकी खूबी ये है कि ये 24 आवर में 35 से 50 लीटर तक ये दूध प्रोवाइड करती है और मेरे ख़्याल में हमारा जो दूध की ज़रूरत है पाकिस्तान की वो ये फार्म बखूबी पूरा करते हैं और जिससे हमें हमारे मुल्क को हमारा मुल्क जो है वो दूध की अपनी प्रोडक्शन में खुद कफील है। इस वक्त हम साहिवाल से हड़प्पा जा रहे हैं और हमने एक गांव का एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया तो उसमें थोड़ी हमें कन्फ्यूजन हो रही है। मैंने सोचा कि जायज़ मुसाफिर से हेल्प लेता हूं।
जी हमने रास्ता फाइंड कर लिया और चलते हैं हम हड़प्पा की तरफ और जैज़ मुसाफिर को फॉलो करते हैं। चले जी। इस वक्त हम हड़प्पा पहुंच चुके हैं और हड़प्पा में जो हड़प्पा का हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक बिल्डिंग है। यहाँ सिखों का गुरुद्वारा होता था, उसको उन्होंने महफूज कर लिया और यहाँ इल्म के जेवर से आरास्ता किया जाता है यहाँ के बच्चों को। और चलते हैं उसको, स्कूल को भी विज़िट करते हैं और उस गुरुद्वारे को भी देखते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान। हाँ जी हाँ जी, देखें जी हमारे डिस्कवर पाकिस्तान के फॉलोअर हड़प्पा में भी मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं ये डिस्कवर पाकिस्तान पे हमारे प्रोग्राम देखते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा डिस्कवर पाकिस्तान का कि वो पाकिस्तान की खूबसूरत खूबसूरत जगहें दिखाता है और हमारे पाकिस्तानी उसको देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और हमारे ये बिल्कुल यंग फॉलोअर हैं डिस्कवर पाकिस्तान के, मैं कहूँगा डिस्कवर पाकिस्तान थैंक यू जिंदाबाद। इस वक्त हम हड़प्पा में मौजूद हैं और मैं पहले भी इस जगह पे कई बार आ चुका हड़प्पा, लेकिन ये जगह छुपी रही पोशीदा रही, मुझे भी पता नहीं था और आज मैं आया हूँ। और थैंक यू डिस्कवर पाकिस्तान के हम इस जगह पे आए। ये एक सिखों का गुरुद्वारा है, काफ़ी पुराना है और साथ ही ये गुरुद्वारा है और ये स्नान घाट है और यहाँ वो गुसल करते थे और जो उनके मज़हब के हिसाब से यहाँ गुसल के बाद वो पाक साफ़ हो जाते थे। और अच्छी बात यह है कि जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो काफ़ी सारी ज़ाय हो चुकी है, उनकी देखभाल प्रॉपर नहीं हो सकी, लेकिन इस जगह की अच्छी बात यह है कि इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने हैंडओवर किया और ये एक हायर सेकेंडरी स्कूल हड़प्पा की बिल्डिंग के अंदर है और प्रॉपर इसकी देखभाल हो रही है और सफाई हो रही है। लॉन को भी इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जो स्टेयर्स हैं वो भी प्रॉपर उसी तरह की है जैसे पहले हैं। और इंशाल्लाह ये हमारा कीमती असासा है और इस ये इसी तरह ही रहना चाहिए और आने वाली नस्लों के लिए हम अपनी अपने जो हेरिटेज है उसको उसी तरह छोड़ जाएं आने वाले नस्लों के लिए जिस तरह वो एक्चुअल अपनी शेप में हैं। और यहाँ मैंने देखा बड़ी प्यारी प्यारी मार्बल की तख्तियाँ भी लगी हुई हैं, जो सेवाकार यहाँ आए उन्होंने सेवा की इस गुरुद्वारे की, उनकी तख्तियां हैं, उन्होंने डोनेशन दिए और वो तख्तियां भी यहाँ नसब की गई है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके क्योंकि ये इसको बड़ा अच्छा वेल मेंटेन ये प्लेस है और मेरे ख्याल में हमें अपने जो दीगर मज़ाहिब के लोग जो पाकिस्तान में सेटल हैं अपनी मिनॉरिटीज़, उसमें हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और दीगर मज़ाहिब के हैं, उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका एहतराम करना चाहिए और इस्लाम भी इसी चीज़ का दर्स देता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
साहिवाल से एक गाँव से एक शॉर्ट ट्रैक जाता है हड़प्पा, वो लिया और काफ़ी खूबसूरत रास्ता है लहलहाते खेत, और अभी हम हड़प्पा पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम हड़प्पा में हैं और खूब एंजॉय हो रहा है, और मैंने सोचा कि मैं घर बात भी कर लूं। जैज के सिग्नल आ रहे हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क, और हर जगह पे इसकी अवेलेबिलिटी है। मैं घर कॉल मिला लूं। और ये हड़प्पा के रोइंस हैं, खंडरात हैं, और काफ़ी इसका हिस्सा जो है ना वो खुदाई हो चुका है, और काफ़ी हिस्सा भी खुदाई होने वाला है, और डेफिनेटली ये एक्सपर्टीज़ होंगी, वो आलात होंगे, तभी ये इसको इसकी खुदाई हो पाएगी। और डेफिनेटली ये इतने बड़े ख़जाने मदफन हैं यहाँ, उसको उसकी रिसर्च करनी है, उसकी तहकीक करनी है, और हिस्ट्री के और आर्कियालॉजी के जो लवर हैं उनके लिए यहाँ बहुत कुछ देखने को है। हड़प्पा की जो साइट है काफ़ी मज़ेदार है, और ये हम आप नहीं कह सकते कि ये सिर्फ जो हिस्ट्री के और आर्कियालॉजी के लवर्स हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी यहाँ आई हुई है, और यहाँ हमारे डिस्कवर पाकिस्तान के कुछ व्यूअर और फॉलोअर बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, जो हमें देखकर बकायदा रुके और मिलने के लिए आए। और भी बहुत सारे बच्चे यहाँ मिले हैं जो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट से यहाँ हड़प्पा देखने के लिए आए, और मेरे ख्याल में हमें बच्चों को, जो हमारी एक न्यू जनरेशन इनडोर हो गई है, मोबाइल और नेट में घुसी हुई है और कमरों से नहीं निकलती, उनको बाहर निकलना चाहिए, एनवायरनमेंट को देखना चाहिए, और हमें फ़ख्र है कि ये बच्चे अब निकले हुए हैं, इन्होंने कुछ करना है, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना ब्राइट है इंशाल्लाह। कैसे हैं जी? ठीक ठाक जी। आप कहाँ से आए हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा से आए हुए, अच्छा गुड। ये हमारे जी डिस्कवर पाकिस्तान के फॉलोअर हैं, और इन्होंने हमें देखा और ये मिलने के लिए आ गए, और बड़ा अच्छा लगा। डिस्कवर पाकिस्तान को अब लोग देखते हैं, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान ही पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वादी सिंध की तहजीब है उसके ये खंडरात है, और हड़प्पा जो है ये 35,000 कबल मसीह की इसकी तारीख है, और ये वो दौर है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती डूबी, ये उस दौर से सिमिलर एक पीरियड है, और ये 1856 के बाद इसकी प्रॉपर खुदाई की गई, और बाद में भी इसकी खुदाई होती रही। ब्रिटिश ने यहाँ काफ़ी काम किया, और यहाँ से जो हिडन ट्रेयर से वो उन्होंने निकाले, और इसकी जो पोशीदगी है वो ख़त्म की। ये एक हिंदू राजा था जो इस पूरी स्टेट पे हुकूमत करता था, उसका नाम हरी रूपा कहा जाता है, तो वो नाम बिगड़ते हुए ये हड़प्पा बन गया, और ये कई एकड़ों पर फैली हुई तहजीब है, कहा जाता है कई एकड़ों में फैला हुआ ये इलाका है, जो ये साइट है फैली हुई है, और जो इसके बुलंद टीले हैं वो 40 से 50 फुट ऊंचे टीले यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ मुख्तलिफ पार्ट हैं, और घर भी बने हुए हैं,
और सराय भी बनी हुई हैं, वर्कशॉप्स भी बनी हुई है जहाँ ये काम करते थे। एक अच्छी चीज़ जो मैं मुझे भी सरप्राइज़ हुआ कि 3500 कबल मसीह में ये एक चीज़ बनाई गई। उस वक्त भी उनका ड्रेनेज का सिस्टम इस तरह इस कदर अच्छा था जो मेरे ख्याल में हमें अब शर्मिंदगी होती है कि इतनी सदियां गुजरने के बाद हमने अभी तक उससे कुछ नहीं सीखा। इनका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल कवर्ड था ताकि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक जो गंदा पानी निकासी होती थी उसकी, तो उन्होंने उसको कवर किया हुआ था ताकि उनकी डेली लाइफ में उसके वो अपनी सफाई को मेंटेन कर सकें। और मेरे ख्याल में एक इबरत की जगह भी है कि किसी ज़माने में ये जगह आबाद होती थी, और कुरान शरीफ में भी है कि सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन की सैर करें और उन लोगों की जगह देखें, उनसे इबरत हासिल करें जो इस दुनिया पर राज करते थे और आज ये खंडरात बने हुए हैं। थोड़ा यहाँ क्योंकि वॉक करनी पड़ती है, चलना पड़ता है और गाड़ियाँ अलाउ नहीं हैं क्योंकि ये एंशियंट साइट है, तो वॉक करते हुए अब काफ़ी थकावट होगी। हमने कहा थोड़ा रेस्ट कर लें, और यहाँ गवर्नमेंट ने यहाँ रेस्ट के लिए भी जगह बनाई है और ये बड़ी प्यारी जगह है। थोड़ा थोड़ा रोमांटिक भी लग रही है कि आप छुपे बैठे हैं और मज़े से बैठे हैं। और दरख्त नो डाउट एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है, और पूरी दुनिया इस वक्त रिस्क पे है, एनवायरनमेंट रिस्क पे। हमें इस प्लेनेट को महफूज बनाना है, और वो तभी मुमकिन है कि हम पोल्यूशन को फ्री इसको इस प्लेनेट को करें। और मैंने एक जगह पे पढ़ा कि हम इंसान ही एक वाहिद क्रिएचर है इस प्लेनेट पे, जो दरख्तों को काटते हैं, काटने के बाद पेपर बनाते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं सेव द प्लेनेट। और हर साल ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज़्यादा होती जा रही है, और इस साल की फोरकास्ट है 2023 की के 1 point something डिग्री जो है प्रीवियस ईयर से रेज हो जाएगा टेम्परेचर। तो ये एक हमें एक अलर्ट है कि इस ज़मीन का टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा यकीन है, हमारा फेथ है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, और हम अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फॉलो करते हुए हम दरख्त लगाते हैं। तो इस हवाले से हमारा ये एक मज़हबी हवाले से भी दरख्त लगाना हमारे लिए अच्छा है। अब दोनों पहलुओं से हमें दरख्त लगाने चाहिए। इस वक्त हम साहिवाल में हैं, और ये नाइट लाइफ लग रहा है कि हम लाहौर में बैठे हुए, और इतने ज़िंदा दिल लोग यहाँ भी मौजूद हैं। और ये एक चाय का ढाबा है, और
साहिवाल की चाय भी काफ़ी मशहूर है। अभी हम चाय पियेंगे और थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे। चाय सर्व हो गई है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है और रात का आखिरी पहर शुरू हो गया है और काफ़ी हमने आज खूब एंजॉय किया, गपशप की और लेट नाइट तक बैठे रहे और आज हमने साहिवाल के खाने भी एंजॉय किए, यहाँ की फसलें भी देखी, बहुत सारे लोगों से भी मिले और यहाँ का कल्चर भी आपको दिखाया हमने और ख़ास तौर पर हड़प्पा जो एंशियंट साइट है उसको भी विज़िट किया। और आप जब भी इस एरिए में आएँ तो हड़प्पा को ज़रूर अपनी डेस्टिनेशन में शामिल कीजिएगा। और चाय अब पीते हैं और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।